नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे प्रीवियस ईयर सीसेट पेपर्स के जो मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड सवाल हैं उनको यहां पे हल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन सवालों को हम कितने बेहतर तरीके से यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो आज हम 2016 के पेपर के सवालों को हल करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कहता है कि W किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिनों में करता है, X उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, Y उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है और Z उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। तो कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? तो आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। कैसे? आप मुझे बताइए, W है, ठीक है, 1/4 भाग को 30 दिन में पूरा करता है, तो W किसी काम को पूरा कितने दिन में कर लेगा? तो आप बोलेंगे सर 120 दिन में। बिल्कुल सही है। X 1/4 भाग किसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, तो वो काम को पूरा कितने दिनों में कर लेगा? 40 दिनों में पूरा कर लेगा। ओके, अब Y को देखते हैं। Y कोई काम का 40% भाग, मतलब 2/5 भाग 40 दिनों में करता है, तो Y उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? 40 × 5/2 = 100। तो Y उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? आप बोलेंगे सर 100 दिन में कर लेगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल। ऐसे ही हम जेड का निकालते हैं। जेड कोई काम का 1/3 भाग 13 दिनों में कर लेता है, तो जेड उस काम को पूरा दिन में कितने कर लेगा? 39 डेज में। तो हमको ना हर किसी के कोई भी काम को पूरा करने के दिन पता लग गए। तो अब इसको हम साइड में लिखते हैं, इधर ही लिख देता हूँ इसमें। तो वाई को 120 दिन लग रहे हैं, X को 40 दिन लग रहे हैं, Y को 100 दिन लग रहे हैं और Z को 39 डेज। तो आप मुझे बताइए, ये सब के काम करने के दिन आ गए हैं कि वो एक काम को इतने इतने दिनों में कर लेंगे, तो आप मुझे सबसे कम समय कौन ले रहा है? तो आप बोलेंगे सर Z, तो वही है जो सबसे पहले कोई काम को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ओके, अगर आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ाया तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि मैंने एफिशिएंसी क्यों बोली है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक कक्षा पूर्व 11 बजे प्रारंभ होती है और अपराह्न बजे समाप्त हो जाती है। इस सवाल में कुछ टाइपिंग एरर है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपराह्न 2:27 PM पर समाप्त होती है और इस अंतराल में 4 समान निधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को यहाँ पे 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड का ठीक ठीक अवधि कितनी है? तो आप मुझे बताइए, क्लास 11 बजे शुरुआत होती है और ख़त्म कब होती है? 2:27 PM पर। तो टोटल अवधि कितनी हुई क्लास चलने की? आप बोलेंगे सर 207 मिनट। मैं बोलूँगा बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, ये पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही, उन्होंने उसको 5 मिनट, बच्चों को 5 मिनट का रेस्ट दिया। फिर सेकेंड पीरियड स्टार्ट किया, फिर 5 मिनट का रेस्ट दिया, फिर थर्ड पीरियड स्टार्ट किया और 5 मिनट का रेस्ट दिया, और फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ और फिर छुट्टी हो गई। तो बताइए कितने मिनट उन्होंने रेस्ट दिया बच्चों को? तो आप बोलेंगे सर 15 मिनट का। तो अब मुझे बताइए, 207 में से 15 मिनट चल जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप बोलेंगे सर 192। तो टोटल क्लास 192 मिनट मानेंगे हम। अब ये कितने पीरियड होते हैं, कितने पीरियड हुए थे हमारे? 4 पीरियड। तो 4 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक पीरियड का टाइम पीरियड पता जाएगा, कितने मिनट वो क्लास चली। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो 4 से गया 4 बार, फिर 8 बार, तो बोलेंगे 48 मिनट का एक पीरियड था। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? उत्तर 1। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि पात्र ए में 30 ग्राम शक्कर को 180 मिलीलीटर जल में मिलाया गया, पात्र बी में
40 ग्राम शक्कर को 280 मिलीलीटर जल में मिलाया गया और पात्र सी में 20 ग्राम शक्कर को 100 मिलीलीटर जल में मिलाया गया। तो पात्र बी का विलयन कैसा है? बहुत ही आसान सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए इसको ना सबसे कोई बोलता है इसको मिश्रण का सवाल है, कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही बोलता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है। मान लेते हैं ये ए है हमारा वेसल, ये बी है और ये सी है। ए में शुगर वाटर, शुगर वाटर, शुगर वाटर, शुगर हमारे पात्र ए में कितनी है 30 ग्राम, वाटर 180, शुगर पात्र बी में 40 और वाटर 280, शुगर सी में कितना है 20 और वाटर 100। बिल्कुल, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6 पात्र ए में, पात्र बी में आ जाएगा 1/7 और पात्र सी में आ जाएगा 1/5। तो पात्र ए में शुगर का कितना परसेंटेज है, कितना विलयन है? तो आप बोलेंगे सर 1/7 × 100, तो मैं बोलूँगा सर 14 2/7%। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। बी, पात्र बी में शुगर का है 1/8, तो आप बोलेंगे सर 12.5%। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। पात्र सी में 1/6 100 कितना होता है 16, सही 2/3%। तो अब मुझे आप बताइए ए में कितना बताया 14 2/7, बी में बताया 12.5%, और सी में कितना बताया 16 2/3%। तो मुझे बताइए इससे अब क्या निर्णय निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर सी के विलयन से अधिक मीठा है। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सी, बी तो हमारा 12.5 है और सी तो 16.23 है। बोलेंगे नहीं, ए के विलयन से अधिक मीठा है, बिल्कुल नहीं। सी का विलयन से समान मीठा, नहीं। सी के विलयन से कम मीठा, बिल्कुल। सी का क्योंकि हमारा 16.16 2/3 है और बी का 12.5 है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन ₹5,000 था। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को प्रदत्त मासिक और औसत वेतन क्रमश 5,200 तथा 4,200 था। कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है? ये सवाल है अपना एवरेज का, ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल। इसमें मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं, इसको मैं आपको पहला फर्स्ट मेथड है, इसको बोलते हैं हम एलिगेशन, एलिगेशन से समझाऊंगा। अगर आपको एलिगेशन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको मैं आपको बेसिक से भी समझाऊंगा। तो आप मुझे बताइए 5,200 आदमियों का एवरेज है, 4,200 वुमेन का है और 5,000 सभी एम्प्लॉय का, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 800 आएगा। 5,200 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 200 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। और ये 4:1 क्या है? मैन और वुमेन का रेशियो। तो मैन कितने हो गए हमारे अब 80%। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। आप बोलेंगे सर सही है बिल्कुल। अब सेकंड मेथड जो बेसिक होता है वो बताता हूँ। आप मुझे बताइए मैन मैंने मान लिए एक्स, वुमेन मैंने मान ली वाई, तो एक्स इंटू 5,200 प्लस वाई इंटू 4,200, ये इनका एवरेज है मैन का और ये टोटल नंबर ऑफ मैन है, और ये वुमेन का एवरेज है और ये टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, इक्वल टू 5,000 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो 5,200 x + 4,200 = 5,000 x + 5,000 y, x को इधर लेके आएंगे तो 200 x उधर लेके गए y को, तो 800 y, तो x अनुपात y का रेशियो आ गया कितना 4:1, जो हमारा यहाँ भी आया था। ओके, अब इसका प्रतिशत निकालना है मैन का। अब हमारा क्या है, टोटल तो लोग हैं कितने 5, ठीक है,
और मैन कितने हैं, चार, तो चार अनुपात 4/5 गुणा 100, तो कितना हो गया 80% आंसर। मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। दो संख्या है एक्स और वाई किसी तीसरी संख्या से जेड से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, संख्या वाई संख्या एक्स से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। तीन नंबर मान लीजिए एक्स वाई जेड, जेड को मैंने 100 माना, बोला है पहला जो संख्या है वो 20% कम है, तो मैंने 80 मान ली, 28% कम है 72 मान ली। अब मुझे बताइए कि संख्या वाई एक्स से कितनी कम है, तो आप बोलेंगे सर वाई से तो 8 कम है, किससे, एक्स से, तो कितना आ जाएगा 10% कम है सर। आसान सवाल था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह चलने वाली दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है, बिल्कुल सही, और ये यात्रा 42 घंटों में पूरी की जानी है, कितनी संख्या में रेलगाड़ियाँ चलानी होगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे, मतलब कोई मतलब कंटिन्यूस रेलगाड़ी चलती रहे सुबह 6 बजे दोनों प्रस्थान दोनों जगह से ट्रेन चले। तो सिंपल सवाल मुझे बताइए, ये तो स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया, आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। सुबह ट्रेन ए 6 बजे यहाँ से चलती है और एक ट्रेन बी सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। अब ट्रेन ए यहाँ पे कब पहुँचेगी, तो आप मुझे बताइए 42 घंटे ले रही है यहाँ पे पहुँचने में, दूरी को बी स्टेशन पे ए से बी आने में 42 घंटे ले रही है, तो रात को 12 बजे पहुंच जाएगी नेक्स्ट दिन के 12 बजे। देखिए कैसे, सुबह 6 बजे चली तो नेक्स्ट दिन के सुबह 6 बजे तक कितने हो गए 24 घंटे, फिर सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक 12 घंटे और 36 घंटे हो गए टोटल। अब इसमें और 6 घंटे जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे सर रात के 12 बज गए सर, अब 12 बजते ही क्या हो जाएगा, दूसरा दिन लग तीसरा दिन लग जाएगा ना, मतलब इसके हिसाब से लग जाएगा है ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे 42 आवर। और ये ट्रेन भी कब पहुँचेगी, रात को 12 बजे पहुँचेगी नेक्स्ट डे के, तो इसी अंतराल में सुबह एक ट्रेन हमको यहाँ से चलानी पड़ेगी सुबह 6 बजे नेक्स्ट दिन के, तभी सेवाएं कंटिन्यू रहेंगी, तभी सेवाएं कंटिन्यू रहेंगी, और यहाँ से भी हमको नेक्स्ट ट्रेन चलानी पड़ेगी सुबह 6 बजे। ओके, कंटिन्यू रहने के लिए। अब मुझे बताइए, जब मैंने पहली ट्रेन सुबह 6 बजे चलाई, फिर यहाँ से भी 6 बजे चलाई सेम ट्रेन, वो पहुँची अगले दिन रात को 12 बजे, और उसी समय मैंने उसके नेक्स्ट दिन मैंने सुबह एक ट्रेन चलाई दी है 6 बजे, तो सेवा रुकी नहीं। फिर नेक्स्ट दिन ट्रेन ये मान लेते हैं ट्रेन सी और ये ट्रेन मान लेते हैं अपन डी, तो डी चला दी मैंने कब, नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे, फिर उसके नेक्स्ट दिन चल जाएगी अपनी कौन सी ट्रेन ए निकल जाएगी यहाँ से। देखो फर्स्ट दिन ट्रेन ए और बी निकलेंगी, सेकंड दिन ट्रेन सी और डी निकलेंगी, फिर थर्ड डे ट्रेन ए और बी निकलेंगी, ऐसे चलता जाएगा। तो कुल मिला कितनी ट्रेन हुई, कुल मिला के 4 ट्रेन चलेंगी। तो आपको समझ में आया हुआ है सवाल, आई होप। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा रेक्टेंगल है आयत, जिसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। ओके, अब बोल रहा है कि इसका उपयोग कर एक बंद घन निर्मित किया गया, घन मतलब क्यूब होता है। ओके, ये हमारा क्यूब हो गया। अब इस क्यूब का
मुझे आप बताइए क्या भुजा होगी, मतलब क्या साइड होगी। तो साइड मैंने मान ली ए, ओके। अब मुझे बताइए रेक्टेंगल का एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, किसका स्क्वायर, क्यूब का, 6a स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, 12 × 8 / 6 = a² ये सॉल्व कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। आसान सवाल था, इसका उत्तर है नहीं, पर उसका उत्तर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही आएगा आप जब सॉल्व करेंगे। ये सवाल पढ़ते हैं, 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति की औसत आय ₹10,000 प्रति मास है। उसी परिवार में प्रति व्यक्ति की औसत आय का या औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय में ₹20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और ये पांचवा व्यक्ति, कितना एवरेज है, ₹10,000। अगर मैं सबकी मासिक आय ₹10,000 मान लूं तो क्या सबका एवरेज ₹10,000 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ₹10,000 आ जाएगा। अब किसी एक व्यक्ति की मासिक शुल्क, मासिक जो आय है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 1,20,000 होगी। ठीक है, सवाल में 1,20,000 आएगा। तो अगर किसी की 1,20,000 उसकी आय बढ़ जाती है एक साल में, तो महीने में कितनी बढ़ेगी। आप बोलेंगे सर महीने में ₹10,000 बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही। अब ये 10,000 बढ़ गई तो 10,000 हर प्रत्येक व्यक्ति में कितनी बार आए, कितनी आएगा। तो आप बोलेंगे सर 5 से भाग दे दो, एवरेज बना देंगे इसका भी, तो एवरेज 2,000 बना दिया। पहले एवरेज कितना है, 10,000, अब एवरेज प्रति व्यक्ति का 2,000 बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे सर अब कितना हो जाएगा, 12,000। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 12,000। इजी सवाल था एवरेज का। ये सवाल पढ़ते हैं, तीरंदाजी का किसी वृत्ताकार प्लेट टारगेट को जिसका व्यास 1 मीटर है अंदर से बाहर की और 4 रंगों में लाल, नीला, पीला और सफ़ेद रंगा गया है। लाल बैंड की त्रिज्या मतलब डायमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस, ओके, 0.20 मीटर है, बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है। इस वृत्ताकार प्लेट टारगेट की और तीरंदाजी द्वारा तीर लगाए जाने पर तीरों के टारगेट के लाल हिस्से बैंड में लगने की प्रायिकता क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सवाल किसका आ गया, प्रोबेबिलिटी का, किसका आ गया, प्रोबेबिलिटी का। और बहुत आसान सवाल है, आपको लग रहा हो कठिन, बहुत आसान सवाल है। आप मुझे बताइए, मुझे सिखाइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि अगर हम लाल वाले पार्ट का एरिया निकाल लें और टोटल का पार्ट का एरिया निकाल लें तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल से बात करूँ, आपसे कोई बोले कि एक सिक्का उछाला गया, सिक्के में हेड और टेल आने की क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 1/2। तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट होते हैं ना यहाँ पे, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और यहाँ पे अक्रेंस वाला होता है, बिल्कुल सर। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा आई होप। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेड मान लेता हूँ और यहाँ पे टोटल एरिया, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। तो रेड वाले की त्रिज्या क्या है, 0.20, और इसका हमको क्या दिया, जिसका व्यास मतलब डायमीटर दिया, तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा, ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 × 0.2 × 0.5 × 0.5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/25, और ये कितना होता है, 0.16 होगा। क्यों, क्योंकि तो ये जाएगा नहीं, तो हमने पहले पॉइंट लगा दिया, फिर 0 लगा देंगे तो 400 हो जाएगा। तो 25 को हम जब
8 बार 25, 8 कितना होता है 200 होता है, तो डबल कर दें 16, एक 400 हो जाएगा, तो इसका 0.16 आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। ये सवाल आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस हमारे देखे हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं मार्क प्राइस, नीचे लिखते हैं डिस्काउंट, कितने परसेंट छूट दी 10%, तो कितने का पड़ा 90 का। यहाँ लिखते हैं क्या 10% लाभ, तो यहाँ कितने का हुआ 110। हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, बहुत आसान सवाल है, 770 110 गुणा 9, ये 0 से 0 कट गया, ये 7 बार गया, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 630। इसका फॉर्मूला है एक, तो मैं आपको बता रहता हूँ इसका फॉर्मूला क्या था, CP/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज। ओके, ये सवाल ये फॉर्मूला था, इसको मैंने यहाँ लगाया और ये सवाल मैंने कर दिया। ओके, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है मुझे बताइए, 10% छूट दिए मतलब 1/10, मतलब मार्क प्राइस मेरी 10 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस कितनी है, आप बोलेंगे 9 रुपये। सर बिल्कुल सही, 10% का लाभ हो रहा है मतलब 1/10, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितनी है, आप बोलेंगे सर कितनी है 11 है, पर यहाँ तो बराबर होनी चाहिए थी, अब ये बराबर नहीं है। ओके, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशियो सेम बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना हुआ 10/11, 9/10, 9/10, तो 90, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 और 110, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया, ये हमारा सेलिंग प्राइस आया, ये हमारा मार्क प्राइस आया। अब मुझे बताइए 770 की वैल्यू सवाल में है, सॉरी मार्क प्राइस 110 है मेरे हिसाब से, पर सवाल में 770 दिया हुआ है, तो लिख देंगे ऐसा। तो मुझे बताइए 90 की वैल्यू पूछी हमसे, क्यों कोई कॉस्ट प्राइस बोला है, तो कितना आ जाएगा 630। ये सेकंड मेथड हो गया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 630। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक ग्राहक द्वारा किसी खास उत्पाद की 19,000 मात्रा की एक क्रय आदेश दिया गया, कंपनी की प्रतिदिन उस उत्पाद की 1,000 मात्रा उत्पादित करती है, इसमें 5% बिक्री के अनुपयुक्त होती है मतलब डिफेक्ट होते हैं, तो क्रय आदेश कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत आसान सवाल है, टोटल ऑर्डर कितना है 19,000 का, उस कंपनी का वन डे का वो कितना है उत्पाद उसका, आप बोलेंगे 1,000 रुपये, लेकिन सर उसके 5% खराब भी तो जाते हैं, 5% मतलब 1/20, आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, तो मैं बोलूँगा कितना सर 50 उसके खराब भी तो होते हैं, तो मेरे लिए तो वो वन डे में कितना ही कर रहा है सर 950 तो कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे सर उसको 19,000 बनाने में, तो डिवाइड कर देंगे 95 दूनी 190, तो आप बोलेंगे सर 20 दिन लगेंगे, है ना आसान सवाल। बस जैसा जैसा सवाल में कहा जाए वैसा वैसा करते जाइए, आपका उत्तर 100% आएगा। अब ये सवाल पढ़ लीजिए। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब मुझे बताइए आप, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूँ, 100 से 199 और 200 से 299। ओके, अब आप बोलेंगे सर 300 क्यों नहीं लिया, मैं बोलूँगा 300 की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 पे शुरुआत होती नहीं है और 2 पे ख़त्म होता नहीं है। ओके,
अब मुझे बताइए 200 से 299 कितनी संख्या हो गई? 100, जिसमें 2 से शुरुआत भी हो रही है और 2 से ख़त्म भी हो रहे हैं। तो 2 से ख़त्म होने वाले को तो हम ले सकते नहीं है। आप बोलेंगे क्यों नहीं ले सकते सर? मैं बोलूँगा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो शुरुआत वाले में भी तो आ रहे हैं, तो हमको डबल थोड़ी गिनने हैं। बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। अब मुझे बताइए इसमें कितने हो जाएंगे? मैं बोलूँगा 10। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं बताऊँगा देखो 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182 और 192। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 100 + 10 तो कितने हो गए? ऐसे 110 नंबर, ऐसी 10, 110 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी घन क्यूब के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे हुए हैं, उस समान अमाप के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की 1/4 है। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घन की संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ये हमारा क्यूब है, बिल्कुल। क्या बोला है कि साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ लार्जर क्यूब, ये बोला गया है। तो मुझे बताइए स्मॉलर क्यूब साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब अपॉन साइड ऑफ लार्जर क्यूब कितना आ गया? 1/4। मतलब अगर लार्जर की 4 है तो स्मॉल की कितनी होगी? 1 होगी। तो अब डायग्राम कैसा बन जाएगा? डायग्राम बन जाएगा सर ऐसे बन जाएगा, ये एक लाइन हो गई सर, ये दूसरी बार काट दिया, ये तीसरी बार काट दिया और ये चौथी बार। सर ये एक बार कट गया, ये दो बार कट गए, ये तीन बार कट गए और चार बार, ये एक बार, ये दो बार और ये तीन बार। डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया है इसलिए दिक्कत आ रही होगी, पर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होंगे। अब वो बोल रहा है कि एक ही फलक पे, एक ही फेस पे जो रंगे हुए हैं, जिस पे एक ही तरफ, एक ही फेस पे जो कलर हुआ है, वो कितने ऐसे क्यूब होंगे? अगर आपने क्यूब पढ़ा है तो आप बोलेंगे सर 6n-2 का स्क्वायर होता है सर, फॉर्मूला एक फेस पे। एन कितना है इसमें? आप बोलेंगे सर 4, 4 में से 2 गए स्क्वायर, तो 6 × 4 कितना आ जाएगा? 24 आंसर। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 24। आप देखिए ना, आप खुद देखेंगे कि ये साइड जो है, नहीं ये तो ले सकते नहीं, ये लेंगे चलो, ये जो साइड है ये डबल कलर हो जाएंगे फेस, यहाँ भी ऐसी, ये भी, ये तो तीन साइड हो जाएंगे, नीचे भी तो होगा ऐसी, यहाँ भी तीन हो जाएगा। तो आप देखें ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 3, ये 3। तो बचे कौन कौन से? बचे मेरे पास कौन कौन से? एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और ये बचा। तो ये 4 क्यूब ऐसे हैं जो एक ही फेस पे कलर होंगे। और क्यूब में कितने फेस होते हैं? आप बोलेंगे सर क्यूब की फलक कितनी होती हैं? सर 6 होती हैं, और एक में कितने हैं? 4। तो 6 में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे सर। अब ये हमको एग्ज़ाम में गिनने का टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया और फॉर्मूले से आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अनीता की गणित परीक्षा में 70% प्रश्न समान अंकों के थे, जिनमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के और 10 ज्यामिति के थे। बिल्कुल,
टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 70। बिल्कुल सही है सर। लेकिन अंक गणित मतलब क्या? अर्थमेटिक। 10 सवाल है। बीज गणित एलजेब्रा। 30 सवाल है। और ज्यामिति ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, कितने सवाल हैं? उसमें भी 30 सवाल हैं। तो टोटल 70 सवाल हो गए। बिल्कुल सर। यद्यपि उसने अंक गणित के 70% मतलब अर्थमेटिक के 70% सवाल करे, मतलब 7 सवाल करे। बीज गणित के मतलब एलजेब्रा कितने करे? 40। तो इसका कितना हो जाएगा? 40। आप बोलेंगे सर 12। और ज्यामिति के 60% मतलब कितने सर? 18 सवाल करे। तो टोटल अटेम्प्ट कितने कर दिए सर इसने? टोटल अटेम्प्ट सर इसने कर दिए कितने सर? 7 प्लस 12 प्लस 18, 18 और 12 30, 30 और 7 37 सवाल इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए सर। बोलेंगे बहुत बढ़िया। अब पढ़िए आगे क्या बोला है। सही उत्तर ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंक 60% कम थे। बहुत दुखदाई हो गया उसके लिए। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए जिससे उसकी उसमें 60% के पास प्राप्त अंक मिले? देखिए कितने सवाल करके आया वो? 37 सवाल। मेरा कर्सर कहाँ चल जाता है? हाँ ये रहा। वो करके कितना आया? 37 सवाल मतलब, और कितने? 60% मतलब 3/5। 3/5 सवाल, तो उसके 3/5 करके आया। ये क्या नंबर आए हो उसके? 3/5। और अगर मैं मान लूँ कि प्रत्येक सवाल, एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ, मतलब अगर प्रत्येक सवाल 10 नंबर का है तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 700 नंबर का हो गया पेपर तो। ओके, लेकिन उसके आए कितने? आए कितने? तो आप बोलेंगे सर उसके 700 तो वैल्यू 5 की है, हमको 3 की निकालनी है, 14। मतलब उसके उसको सर 420 अंक चाहिए, उसको 420 अंक चाहिए पास होने के लिए। ओके, लेकिन वो तो करके आया 37 क्वेश्चन, और 37 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर का एक सवाल मतलब 370। अब उसको चाहिए सर पास होने के लिए कितने कितने सही सर? 50 नंबर और चाहिए, और प्रत्येक सवाल 10 क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 5 सवाल और करने पड़ेंगे उसको पास होने के लिए। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के 3/4 है और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? आसान सवाल है, मुझे बताइए लंबे लड़के कितने हैं? आप बोलेंगे सर 18। और ये यदि यह लड़के लड़कों की कुल संख्या की 3/4 है, मतलब 3/4, मतलब अगर टोटल मेरे हिसाब से 4 हैं तो ये कितने हैं? ये 3 हैं। तो 3 की वैल्यू 18 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 24 हो जाएगी। और ये कौन आ गए? ये लड़के आ गए। अब क्या बोल रहा है कि लड़के जो है ना वो पूरी क्लास के 2/3 है, तो टोटल क्लास में ने बच्चे मान लिए एस, और उसके 2/3 कितने हो गए? 24 हो गए। बिल्कुल, तो सर एस कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 36। टोटल बच्चे 36 हैं, लड़के मेरे पास 24 हैं, तो गर्ल कितने आ जाएंगी? आप बोलेंगे सर 12। बहुत आसान सवाल, जैसा जैसा सवाल ने कहा वैसा वैसा किया, आसान सवाल था, उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा करते हैं। बिल्कुल सही बात। मतलब राम प्लस श्याम कोई भी काम को 60% करते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो 100% करने के लिए कितना बनाना, कैसे करेंगे इसको?
सर 100% करने के लिए इसको 5 से गुणा कर देंगे, 3 बटे 5 बटे 3 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी 5 बटे 3 से कर देते हैं सर। तो सर वो एक काम को 20 बटे 3 पड़े 100% को सर 20 बटा 3 दिन में करेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन तब राम छुट्टी पे चल जाता है और शाम को पूरा करने में 8 दिन लगते हैं, मतलब शाम जो है वो बचा 40% काम उसको 8 दिन में करता है। तो इसको 100% कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये बोलेगा सर मेरे को 100% कार्य पूरा करने के लिए 5 बटे 2 से गुणा कर देंगे, तो सर इसको लगेंगे सर 20 दिन। बहुत अच्छे, मतलब राम प्लस श्याम कोई भी कार्य को पूरा करने में 20 बटा 3 दिन लेते हैं और श्याम अकेला लेता है 20 दिन। तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा हमारा कितना? 20 यूनिट। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। अब टोटल यूनिट वर्क आ गया तो राम प्लस श्याम का एक दिन का कितना काम करेंगे वो आ जाएगा? आप बोलेंगे सर आ जाएगा। मैं बोलूँगा सर कितना आ जाएगा? मैं बोलूँगा सर 3 यूनिट आ जाएगा एक दिन का कार्य। ऐसे ही सर शाम का एक दिन का कार्य आ जाएगा सर 1 यूनिट। बिल्कुल बोलेंगे सर हाँ। तो सर राम का भी तो आ जाएगा, अगर मैं शाम का घटा दूँ ऊपर से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर राम का सर 2 यूनिट कार्य आ गया सर एक दिन का। टोटल वर्क कितना है मेरे पास? सर टोटल वर्क है मेरे पास 20 यूनिट और राम करता है 2 यूनिट एक दिन में, तो टोटल काम को 10 डेज में खत्म कर देगा सर। है ना आसान सवाल? तो अब इसका उत्तर सी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल कहता है कि ए बी किसी विशाल वृक्ष का ऊर्ध्वाधर तना है और ए वह बिंद है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है। अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा पेड़ है, ये इसका वह बिंद है जहां पर तने का आधार जमीन को छूता है और बी हमारा पूरा टॉप मोस्ट पॉइंट है। किसी तूफान के कारण तना उस बिंदु सी पर टूट गया जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है सी और ये हमारा कितना था? 12 मीटर की ऊंचाई पे था और ये टूट गया, तो ये टूट गया तो ये यहाँ आके टिक गया, ये मैंने डी पॉइंट मान लिया। और आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है, यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता है जो ए से 5 मीटर की दूरी पर है, तो तने की मूल ऊंचाई क्या है? बहुत आसान सवाल, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब बच्चे कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि 90 डिग्री होगा, तो आप मुझे बताइए इन ट्राइंगल ए डी सी, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, इसको मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, इसको मैंने 12 स्क्वायर मान, 5 स्क्वायर, ये मुझे बताइए एक्स कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है। अगर बच्चे को, बहुत बच्चों को याद भी होते हैं ट्रिपलेट, सब कोई दिक्कत की बात नहीं है। 144 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 169 और 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 13 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू 13 है तो ये टूटा हुआ ही तो भाग है, तो टोटल जो लेंथ होगी पेड़ की वो क्या होगी? ए बी होगी, और ए बी क्या है? ए सी प्लस बी सी, और बी सी किसके समान है? हमारा सी डी के समान है, तो ए सी की वैल्यू 12 और बी सी की वैल्यू 13, तो कुल मिला के 25 मीटर पेड़ की लंबाई थी, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 25 मीटर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, अच्छा जी ये 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चले हमारे साहब, यहाँ पहुँच गए, और फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व मतलब ईस्ट, फिर 15 किलोमीटर गए और फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहाँ से पश्चिम आ गए तो 15 किलोमीटर यहाँ तक तो आना ही है, फिर यहाँ से 4 मीटर और चलेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 19 मीटर हो जाएगा, और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले। ठीक है जी, यहाँ से दक्षिण की ओर चले गए तो मुझे बताइए यहाँ तक तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 12 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, 3, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 15 मीटर। अब मुझे बताइए, मुझे सिखाइए, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा? तो प्रारंभिक बिंदु से जगह पूछिए, प्रारंभिक बिंदु ये रहा और फाइनल डेस्टिनेशन ये रहा हमारा, फाइनल डेस्टिनेशन ये रहा, तो इसकी डिस्टेंस पूछिए हमारी, ये हमारी 4 है, ये हमारा 3 है, सबको पता है x इक्वल टू 5 आयोगे ट्रिपलेट बन रहा है। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ए। तो आपने देखा हमने जो सवाल 2016 में आए हैं उनको कितने आसानी से, और कितने आसान सवाल थे आपने खुद देखा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं खुद, आपने भी देखा होगा और मैंने इनको आपको हल करके भी दिखाया कि कितने आसान तरीक़ों से, और कुछ कुछ सवालों के तो मैंने आपको दो दो मेथड बताए। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितने आसानी से इन सवालों को हल कर लिया है, और आप इन सवालों को देखिए, इनको हल करिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।